हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मानव शरीर से संबंधित टॉप 333 प्रश्नों को। आप सभी की मांग थी कि मानव शरीर से प्रश्न कराए जाएं, तो हमने आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। ये क्वेश्चंस हमारे सभी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मानव शरीर से ही आते हैं। चलिए हम आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो ये किडनी है, जो कि हमारे रक्त को शुद्ध करता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर है, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे भारी अंग कौन है, तो वो भी हमारे मानव शरीर का लीवर ही है। नेक्स्ट है, विटामिन बी जो है वो कहाँ स्टोर होता है हमारा? विटामिन ए, तो वो यकृत में होता है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, और जोड़े में दिया गया है तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें माँ से प्राप्त होते हैं 23 तथा पिता से प्राप्त होते हैं 23। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये 120 दिन का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व, तो वो इनेमल होती है, जो कि हमारे दांत की परत होती है, तथा मानव शरीर में जो है वो कुल संख्या कितनी होती है इनकी? तो ये 639 है। अगला है, मानव शरीर के रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव शरीर के रक्त का पीएच जो है वो 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो वो स्टेपीज है, हमारे कान की हड्डी है ये। सबसे मजबूत हड्डी तो मास्टेर है, सबसे मजबूत मांसपेशी। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? बहुत ही पूछा जाता है, तो टेंडन है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो हमारे मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है, उसमें रक्त जो है, जल जो है, वो लगभग 90% होता है। तथा मानव शरीर में, मतलब प्लाज्मा तो हो गया हमारे रक्त की बात, तथा अगर मानव शरीर में पूरे जल पूछी जाए तो करीब 60% होता है रक्त में जल, 90% शरीर में, 60%। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो वो लगभग 6 लीटर की होती है। अगर हम आपसे पूछा जाता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, तो AB पॉजिटिव है। तथा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। त्वचा ऑप्शन में है, तो त्वचा आप लगाएंगे। अगर ग्रंथि पूछ ली जाए तो हमारी लीवर हो जाएगी। मानव शरीर में कितने कोष होते हैं? तो चतुर्कोशीय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? तो 6 है, ये अम्लीय होता है। रक्त हमारा 7.4 क्षारीय होता है। मानव शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या 20 है, तथा अगर आवश्यक अम्लों की पूछ लिया जाए तो वो 10 होगी। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये टाइलिन होता है, लार में पाया जाता है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी जो है वो पैर में पाई जाती है। मानव शरीर कितना मूत्र बनाता है प्रतिदिन? तो 1 से 1.5 लीटर। नेक्स्ट है, मानव लिंग का जो निर्धारण होता है वो किसके आधार पे होता है? तो पुरुषों के क्रोमोजेम के आधार पे होता है। अगर हमारा महिलाओं में XX क्रोमोजोम्स होते हैं, अगर XY मिल जाता है पुरुष का वाई, तो वो लड़का होता है। अगर XX हो जाती है तो वो हमारी लड़की बनती है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण कितने समय में हो जाता है? तो एक बार राउंड लगाने में किसी एक ब्लड पार्टिकल को 23 सेकेंड ही लगते हैं। मानव हृदय कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? तो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है, ब्लड प्रेशर जिसे हम रक्तचाप कहते हैं, उसको हम किससे मापते हैं? तो स्फिग्नोमीटर से। नेक्स्ट है, मानव पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? तो मुख गुहा या मुख से हम बोलेंगे। लार हमारा सबसे पहले इसमें बनाता है। श्वेत रक्त कट जो कोशिका है, कणिका बोलते हैं, तो वो इनका जीवन काल 2 से 4 दिन। मनुष्य के जो सौंदर्य है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसको हम केकोलॉजी कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन की दर कितनी होती है? तो 16 से 18 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है।
अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? तो सबसे मजबूत होती है हमारी जबड़े की हड्डी, तथा सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, फीमर। और सबसे छोटी अगर आपसे पूछा जाता है, तो अभी आपसे हमने चर्चा की कि वो स्टेपीज होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 7% होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मानव शरीर में ऊतक जो है वो प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन जो है हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करता है, तो वही मतलब नई कोशिकाएं बनाएगा। नेक्स्ट है, मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? तो मूत्र जो है यूरिया में का प्रचुर मात्रा पाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। डीएनए की आकृति को हम डबल हेलिक्स बोलते हैं। एपिडर्मिस में स्वतः की कितनी परतें होती हैं? तो 5 परतें होती हैं। मानव शरीर की सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है? तो रीढ़ की हड्डी होती है। तो आप लोग अपने रीढ़ को बचाइएगा। और आँख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है, लेकिन इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? तो कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? हमारे जो आँख है इसका सबसे पिछला पार्ट होता है, जहाँ पे हमारी आकृतियाँ बनती हैं, जिसे हम अगर नॉर्मल भाषा में बोलें तो पर्दा बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क का तो सेरिबलम होता है, हमारा दिमाग होता है। नेक्स्ट है, आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? तो वो अस्थि मज्जा में बनती है, बोन मैरो हम जिसे बोलते हैं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यूरिया यकृत बनाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम डायलिसिस बोलते हैं, और हिंदी में हम रक्त अपोहन कहते हैं। अगर जिसकी किडनी खराब होती है या तो उसको हम क्या प्रक्रिया से गुजरना होता है, उसको मैनुअली जो डायलिसिस होता है हॉस्पिटल्स में, वो उनको कराना पड़ता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? सबसे बड़ी लंबी अगर पूछा जाए दोनों, तो वो फीमर होती है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच कितना होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। हमने 7.4 बताया था आपको, लेकिन अगर पूरी वैल्यू पूछी जाए तो 3.5 से 7.35 से लेकर 7.45 तक। वयस्क मानव में अस्थियाँ कितनी होती हैं? तो 206 अस्थियाँ होती हैं। लार के पाचन में क्या सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है वो स्टार्च के पाचन में होती है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो अचल संधि होती है, जो कि मूव नहीं करती हैं। फेफड़ों के गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान है वो रुधिर करती है, रुधिरी ऑक्सीजन का संचार करती है वहाँ पे। केव्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो केव्स चक्र जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहाड़ों में रहने वालों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पहाड़ में जो है वो वायु कम संघनित होती है, तो इसलिए वहाँ पे जो आरबीसीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं उनके ब्लड में। स्नायु जिसे हम लिगमेंट कहते हैं, वो जो है अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। अगर हड्डियों को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगमेंट जोड़ता है। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्ल लैंडिश्नियर थे। नेक्स्ट है, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन को श्रावण को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन इससे ज़्यादा जरूरी होता है। ऑक्सीटोसिन जो है हमारी इन सब क्रियाओं के लिए भागीदार होता है। अंधबिंदु या जिसे हम पीतबिंदु कहते हैं, वो किस भाग में पाए जाते हैं? तो हमारे रेटिना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक विषाक्त तो उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है मानव शरीर का? तो वो अमोनिया होता है। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में पाया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त किस प्रकार का संयोजी ऊतक है? तो ये तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है, मानव के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो कितने दांत हैं जो वो 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत होते हैं हमारे, जो कि बच्चों में 20 दांत शुरुआती पाए जाते हैं, और 20 दांत ही उनके गिरते हैं, तो वही दोबारा आते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया जो है उसका नियंत्रण कहाँ से होता है? तो उसका नियंत्रण मेडुला और लागेटा द्वारा होता है। अगर पूछा जाए आपसे मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हमारा तो वो प्लीहा होता है। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है जीका वायरस का वाहक कौन है, तो वो है एडीज मच्छर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग जो है वो अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, अल्जाइमर से हमारा क्या डिस्टर्ब होता है, तो वो मस्तिष्क को ही होता है। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई इटाई रोग हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सी टेट अन्य उपग्रहों अन्य जो भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे KVS या जो भी अन्य होते हैं हमारे SC हो गया या कुछ भी, तो इन सब में बहुत से पूछा जाता है। वैसे भी जितने भी क्वेश्चन हम लाएंगे सभी रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं, सब बहुत ही पूछे जाते हैं। अगला है, माफ़ कीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आप सभी से निवेदन है, अभी तक जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए अपने क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करता है, तो वो पीयूष ग्रंथि है। अगला है, पित्त का संचयन मतलब पित्त जो है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो वो पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण है तो क्या आवश्यक है, तो वो कैल्शियम और फास्फोरस हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं, मानव शरीर की कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं, तो वे श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। जैसे मानव शरीर पर किसी भी वायरस या परजीवियों का अटैक होता है तो श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं वो उनसे भिड़कर अपने आप को भी नष्ट कर देती हैं, उनको भी नष्ट कर देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब हमारे पास किसी को टाइफाइड होता है, बुखार लंबे टाइम से होता है, तो उनकी प्लेटलेट्स उनके शरीर में घट जाती हैं। RH का कारक किस नाम की जंतु से संबंधित है, तो RH का जो प्रैक्टिकल था वो बंदर से किया गया था, वहाँ से लिया गया है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन जो है वो पूरा हो जाता है, तो वो आंतों में हो जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो मेरु तंत्रिकाओं जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 31 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो RBCs की संख्या जो है ऊंचाइयों पर वो बढ़ जाती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो RBCs बढ़ेंगी, हमारी रक्त गाढ़ा होगा। नेक्स्ट है, हृदय का धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो हृदय की धड़कन वो पोटेशियम जो है इसका कारक है। श्वसन में बाहर निकलने वाली जो हमारी CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा कितनी होती है, 4% होती है, और हमारे वायुमंडल में 2 दशमलव समथिंग है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, कार्नियल नर्व्स, तो वो 31 जोड़ी होती हैं। हीमोफोलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है मानव शरीर को, तो वो रक्त का स्कंदन नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर या हृदय गति के आवृत्ति एक मिनट में सॉरी आवृत्ति लगभग कितना समय में होता है, तो 0.8 सेकेंड, अगर आप इसको भाग करेंगे 72 को 60 से तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक मिनट में 72 बार धड़कता है लगभग। एंजाइम एक प्रकार का क्या है, तो जैव उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है, प्रकाश आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं, तो दृष्टिपटल हमारा जो रेटिना है वहाँ पे दिखता है, ये वहाँ पे हमारी इमेजेस बनती हैं जो भी हम देख रहे हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेटिना पर जो हमारी प्रतिबिंब है वो उल्टा बनती है, जो भी हम चीज़ देख रहे हैं वो हमारी आँखों में रेटिना पर उल्टी होती हैं, हमारा जो दिमाग है उसको सीधा करके पढ़ता है। नेक्स्ट है, लड़ो और उड़ो फाइट एंड फ्लाई नाम के हार्मोन जो किसको कहा जाता है, तो एंड्रेनलिन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एचआईवी द्वारा होने वाला कौन सा रोग है, तो एचआईवी द्वारा एड्स होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त प्लेटलेट्स की संख्या समानता कितनी होती है, प्लेटलेट्स कितने होते हैं, तो वो 2 लाख से अधिक होते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। रक्तचाप मापने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो स्फिग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, समान तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फारेनहाइट में तो 9.6 फारेनहाइट। अगर आपसे केल्विन में पूछ लिया जाए तो 310 केल्विन। नेक्स्ट है, इंसुलिन हार्मोन किस रंग से स्रावित होता है, तो इंसुलिन हमारा
अग्नाशय से निकलता है। नेक्स्ट है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंसुलिन जो है, अगर इंसुलिन की कमी होती है शरीर में तो वो शरीर ग्लूकोज नहीं बना पाता है, ठीक है। ग्लूकोज आपका पाचन नहीं होगा ग्लूकोज का, तो शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी। ग्लूकोज तो बनता है लेकिन पाचन नहीं होगा उसका, तो वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारे शुगर पेशेंट होते हैं डायबिटिक, तो उनमें शरीर में इंसुलिन की अलग से इंजेक्शन देनी पड़ती है। डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। अभी हमने आपसे चर्चा की, आरबीसी कम होते हैं, प्लेटलेट्स भी कम होते हैं उसी के साथ। सॉरी, अगर किसी व्यक्ति का किडनी काम ना कर रहा है तो रक्त में यूरिया की मात्रा में बढ़ जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे यूरोमिया कहते हैं। और इसके लिए हमें क्या कौन सा प्रोसेस गुजरना पड़ता है, तो आपसे हमने बताया डायलिसिस, कितनी डायलिसिस जो होती है। नेक्स्ट है, एलसिया परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? तो एलसिया जो है एड्स के चेकअप होती है। नाखूनों में पाया जाने वाला प्रोटीन तो केरोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है तथा माता का ओ है, संतान में कौन सी प्रोबेबिलिटी है कि संतान किस रक्त समूह का होगा? तो ए अथवा ओ दोनों का हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन एंटीबॉडीज का निर्माण किस कारण से निर्मित होते हैं? तो लिम्फोसाइट्स के द्वारा कारण वो निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है, पॉलिशयुक्त चावल के सेवन से होने वाले रोग की संभावना, तो वो बेरी बेरी होती है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा जीव है? प्लाज्मोडियम जो है वो मच्छर से होते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म, एमआरआई तो क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेजिंग होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमआरआई जो भी होता है वो उसमें मेटल नहीं होना चाहिए। किसी के शरीर में अगर ऑपरेशन हुआ है मेटलिक, तो वो एमआरआई उनका नहीं हो सकता है। अगर मेटलिक होगा तो वो बहुत उनके लिए प्राण घातक होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, मतलब मैग्नेट के थ्रू ही होता है। तो अगर कोई मेटल होगा तो वो शरीर को तोड़ के भी बाहर आ जाएगा। तो कहते हैं ना, जो एमआरआई मशीन का जो केबिन होता है उसमें एक भी मेटल एक्स्ट्रा नहीं लगा होता है कहीं। नेक्स्ट है, बीएमडी परीक्षण का किसका पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थिरंध्रता के लिए किया जाता है। अस्थिरंध्रता किसी के अस्थि में रंध्र है, मतलब छेद होता है, तो उसको पहचानने के लिए। नेक्स्ट है, पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? तो वो रक्तचाप से संबंधित है। एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे इस प्रयास को, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोग अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो एफजी बैटिंग ने किया था। सामान्य जुकाम किस वायरस के कारण होता है? तो वो रिनो वायरस के कारण होता है। अब हम थोड़ी सी तेज़ी से इसको कवर करते हैं, क्योंकि 333 प्रश्न हैं तो काफ़ी टाइम आपका लेगा। तो कोशिश रहेगी कि हम कम समय में आपको ये कंटेंट पहुँचा दें। नेक्स्ट है, कौन सा पाचक प्रोटीन हमारी छोटी आँत से स्रावित होता है? तो सीक्रेटिन होता है। हृदय की धड़कन किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनकंपी तंत्रिकाओं द्वारा होती है। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो वो होता है एंजाइम्स। नेक्स्ट है, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के उत्पन्न होने से होती है? तो सेल्मोनेला बैसिलियाई। नेक्स्ट है, अल्कोहल के निराविष्ट्रण डिट्रोफिकेशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो ये हमारा यकृत है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड से होता है। अगर शरीर में फोलिक एसिड नहीं है, आयरन की कमी होती है, फोलिक एसिड आयरन हमें शरीर को देता है, तो एनीमिया होता है। फेनिलक्यूटेनिया रोग किससे संबंधित है? तो मानसिक जड़ता से संबंधित है। प्रेरक कौशल जो मोटर स्किल्स होती हैं मनुष्य के कौन से भाग से संबंधित है? तो ललाट पोर्टल से होती हैं। मोटर स्किल्स छोटे बच्चों में जो भी संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, जो वो चलते हैं फिरते हैं ना, इससे संबंधित है, वो उसी से शुरुआत होती है उनके सीखने की। मनुष्य के कंकाल में कब्जा से संधि होती है, हिंडस ज्वाइंट। एक उत्कृष्ट उदाहरण किन संधियों में मिलता है? तो अल्ना और ह्यूमरस में मिलता है।
नेक्स्ट है, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है? तो संक्रमित चूहे जो है, या चूहे जो है, वो फ्लैग के वाहक होते हैं। सल्फा दवाइयाँ किस बीमारियों के उपचार के लिए उपयोगी हैं? तो जीवाणु जनित उपयोगियों के लिए होती हैं ये जो बीमारियाँ होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो ग्रेट सैफिनस सिरा है, जो कि पैर में उपस्थित होती है। DTP वैक्सीन का उपयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। तो इसका फुल फॉर्म भी यही है, अगर पूछा जाए हिंदी में लिखा होगा तो यही लिखा होगा, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। और डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर, सॉरी स्पेलिंग मुझे मीनिंग नहीं याद आ रही है, और टी फॉर टिटनेस ही होता है। नेक्स्ट है, रक्त को पहुँचाने वाली धमनियों को क्या कहते हैं? तो उसको हम हृदय धमनियाँ कहती हैं, कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं। नेक्स्ट है, एस्मोनिया नामक रोग किसके से संबंधित है? तो वो सूंघने की शक्ति से संबंधित है, इसको घ्राण संवेदना कहेंगे, घ्राण मतलब सूंघने की शक्ति। नेक्स्ट है, विल्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो किडनी को प्रभावित करता है। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो ये यकृत करता है। मधुमेह के रोग में किस हार्मोन की कमी से होती है? तो इंसुलिन की कमी से होती है, हमने आपको अभी बताया था। पाचन तंत्र में किस रक्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, किस भाग में? तो वो पित्त में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो क्विलम या स्पेक किन गुहा है। नेक्स्ट है, अधिकतर कीट किस प्रकार के श्वसन करते हैं? तो वो श्वसन प्रणाली जैसे नॉर्मली करते हैं, जो भी जितने भी लोग थलजीवी हैं या नवजीवी हैं वो नाक के थ्रू ही करेंगे। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में हुआ था? तो वो हाइड्रा में हुआ, हाइड्रा सबसे पुराना जीव भी कह सकते हैं। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब समानता क्या होता है? तो वो BP उनकी हमेशा नॉर्मल इंसानों से बड़ी होंगी। अग्नाशय जो पैनक्रियाज होता है हमारा, को पाचक रस के उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो सिक्रेटिन है। रक्तदाब को नियंत्रण करने के लिए किस ग्रंथि का प्रयोग होता है? तो वो अधिवृक्त जो है, एड्रेनल ग्रंथि जो है, वो हमारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मानव भ्रूण की जो हृदय स्पंदन है वो कब से प्रारंभ हो जाता है? तो 4वें से 5वें सप्ताह में हो जाता है। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कि ऑपरेशंस के जो ऑर्डर दिए हैं उन्होंने, किसी को अगर अनचाहे गर्भ है या कुछ भी है तो वो 4 महीने तक करवा सकते हैं, ये अभी रूल है। 4 महीने से ज़्यादा में क्या होता है तो वो एक जीवित व्यक्ति की तरह ट्रीट किए जाएंगे, तो उनका ऑपरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है, स्नायु एवं कंडराएं कैसी ऊतक हैं? तो ये संयोजी ऊतक हैं। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल होते हैं, वसा वाले अम्ल, और ग्लिसरॉल मिलता है। हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है, किस चीज़ द्वारा? तो वो कोशिका गुच्छ द्वारा होता है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक क्या है? तो वो है ADH और एल्डोरिन। ADH का मतलब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। और अब बिंदुता नामक रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो बिंदुता मतलब, तो वो आँखों को प्रभावित करेगा, इंडिपोजिशन। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस भाग से श्वसन करता है? तो वो त्वचा से करते हैं। नेक्स्ट है, यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जात में किस प्रकार की गैस का मिश्रण का प्रयोग करती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करती है। कौन सी औषधि मूत्र के सुराव को प्रोत्साहित करती है? तो डायूरिक एसिड करती है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्त मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस जो है वो भूख को बताता है, और अगर पेट भर गया तो वो भी हाइपोथैलेमस ही बताएगा। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का किया जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन में बाहर निकलने वाले वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 17% के लगभग होती है। अमाशय की भित्ति में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? तो अमाशय में गैस्ट्रिन का स्रावन होता है। ऑक्सीटोसिन एरोबिक
रिस्पायरेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो वो कोशिका द्रव्य तथा माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑक्सीसोसन। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? तो एटीपी के रूप में होता है, हम सभी जानते हैं। सेल जो है ऊर्जा का संचयन जो है वो एटीपी के रूप में करता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। तो इसके जो अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? CO2 तथा फायरबिक एसिड होते हैं। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? इसको हम ग्लाइकोसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट है, मानव श्वास प्रति मिनट लगभग कितनी बार होता है? तो 12 से 15 बार होता है। इसको आप धड़कन समझ के जल्दी से ऑप्शन मत आंसर मत लगाइए कि 72 होता है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। फाइलेरिया किस के कारण होता है? तो गोल कृमि के कारण होता है ये। सिलिकोसिस रोग किस अंग से प्रभावित करता है? तो वो फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, स्टार्च के जल अपचयन में कौन सा एंजाइम बनता है? तो एमाइलेज बनता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन हमारी सोडियम नियंत्रित करती है। कम नाद ऑन के लिए चिकित्सा शब्दावली क्या है? तो वो है अनिद्रा बोलते हैं इसे हम। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक बोलते हैं। मलेरिया तथा प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की से होता है, इसकी खोज किसने की थी? सर रोनाल्ड रॉस ने की थी। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूमर की जांच जो है वो ऑर्सेनिक 74 के द्वारा किया जाता है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो ये पोलियो से संबंधित है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला जो अंतःस्रावी हार्मोन है वो कौन सा है? तो TSH है, इसी का सब लोग थायराइड टेस्ट में इसी का जांच भी होती है हमारी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है, किस हार्मोन में आयोडीन की उपस्थिति होती है? थायरॉक्सिन में होती है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड करता है। नेक्स्ट है, दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जैसे पशुओं में अगर दूध नहीं आ रहा तो ऑक्सीटोसिन की ग्रंथि लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाई जाती है, इसका स्राव जो है ऑक्सीटोसिन का कौन करता है? तो वो पीयूष ग्रंथि करती है। मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोवा इसका प्रसारक है। अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तता जो पॉइजनिंग बोलते हैं, इस किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये यकृत को प्रभावित करता है। अनुवांशिक रोग लिंग सहलन है, इसको हम बोलते हैं रॉयल हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो वो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। वैसोप्रोसिन हार्मोन किस कमी से रोग होता है? अगर वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी हो जाए तो इससे कौन सा रोग होता है? तो डाई यूरोसिस होता है। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाला रोग क्या है? तो कार्यात्मक रोग होगा। एथलीट फूड नामक रोग जो है वो किससे होती है? तो ये फफूंदों से होती है, फंगस। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवा जो है वो जिडोवुडीन है, बहुत ही पूछा जाता है, या एडिजोथायमिन भी नाम दिया हो सकता है। रक्तदाब के उपचार में किस कणिकाओं पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सर्पगंधा के जो है पौधे का प्रयोग किया जाता है, उसकी कणिकाओं का। नेक्स्ट है, एड्स वायरस की खोज जो है वो किसने की थी? तो रॉबर्ट गेलो ने की थी। मानव शरीर की संरचना में क्रीम रूप परिशेषिका पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है क्रीम रूप की परिशेषिका? क्रीम मतलब आप बोल सकते हैं जिगजॉग मोशन में जो हमारी संरचना है ये बड़ी याद की होती है। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो हमारा जो है CPU मस्तिष्क, उसी को सर्वाधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। राइटर्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट्स
राइटर्स रोग से गुर्दा प्रभावित होता है? किस कारण से ऊतकों में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकालकर ऊतक द्रव्य में जाता है? तो O2 की कमी और CO2 की अधिकता की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जो ऊतकों से जो है हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन निकल कर वो ऊतक द्रव्य में चला जाएगा, तो इससे ये प्रॉब्लम आएगी। भोजन के ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार ग्रंथि के श्रावण का उत्तेजन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो परानुकंपी यंत्र तंत्र द्वारा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, तो वो महाधमनी है। नेक्स्ट है, सिलिकोसिस क्या है? तो फेफड़ों से संबंधित यह एक रोग है। किस कारण से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? तो यूज ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है लेकिन मास्टर ग्रंथि नाम है इसका। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि, तो थायराइड है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में होते हैं। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? थैलेसोमिया में जो है हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCL करता है। तो आई लिखा है वो L, आप पढ़िएगा L है। HCL जो है हमारा, अगर पूछा जाए HCL का निर्माण कहाँ पे होता है, तो हमारा अमाशय में होता है, बहुत ही तीव्र अम्ल है। नेक्स्ट है, रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना गया है? AB निगेटिव बोलेंगे हम लोग। AB निगेटिव में क्या होते हैं? वो पितरक्षी एंटीबॉडी नहीं होते हैं। निगेटिव में pH फैक्टर अगर जिनका RH फैक्टर वो निगेटिव है, तो वो सर्वग्राही होंगे। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो सफ़ेद कलियाँ जो हैं वो जिंक की कमी से होने लगती हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है वो निफ्रॉन है। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरु रज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजना को एम्पल्स भेजना, जिससे वो एक काम कर सकें, जो भी उनको सूचनाएँ मिले। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उसे जो है एक एक्स क्रोमोसोम होता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करने से रोक देना चाहिए, तो वह किससे पीड़ित है? तो वो बुलिमिया से पीड़ित है। इस रोग को बुलिमिया कहेंगे। थायमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन जो है वो थाइमोसिन है। कोलेस्ट्रॉल की सीमा मानव शरीर में कितनी होती है नॉर्मली? तो 150 से लेकर 260 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर होती है, प्रति 100 मिलीलीटर। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका और अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसा काम करते हैं। स्कल सर एनीमिया किस रोग से होता है? तो ये RBC की विकृति की वजह से होगा। नेक्स्ट है, गर्भ निरोधक गोलियों गर्भ निरोधक दवाइयों के रूप में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? तो एस्ट्रोजन दी जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो वो लाल रक्त कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। एक असंधारी मैनिमल की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? हमने बात की है, तो वो एकत्रित होती है। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो इंटरफेरॉन का प्रयोग वो कैंसर के उपचार के लिए होता है। फेफड़ों की कुपकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? तो वो सक्रिय ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ओब्लिगेटा में होता है।
मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैविक घड़ी जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? तो वो हाइपोथैलेमस में होती है। अगर आप रात में सोच के उठ सो रहे हैं तो पक्का अगर आप ध्यान से सोएंगे मतलब अपने मस्तिष्क को सूचना सही रूप से प्रदान करेंगे, तो अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठ जाएँ 5 बजे उठ जाएँ तो आपकी घड़ी बजने से पहले ही वो आपको उठा देगी। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो हेपेटाइटिस के उपचार के लिए होता है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो स्टार्च का पाचन होने के बाद हमारे शरीर को ग्लूकोज मिल जाता है। किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 मिनट में किडनी से 1 से लेकर 1.2 लीटर जो है वो रक्त प्रवाह हो जाता है। एंटीबॉडीज वो क्या हैं? तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे रक्त में होते हैं। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि हमारा मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। रिसेप्रिन नामक औषधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो रिसेप्रिन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका पितृच्छी एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? कौन सी कोशिका जो है वो एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करती है? तो लिम्फोसाइट्स जो है वो एंटीबॉडीज़ का उत्पादन करते हैं। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो कणिका विहीन रक्त का तरल भाग जो है वो प्लाज्मा हम कहते हैं, जिसमें रक्त जल की मात्रा 90% होती है। कौन सी ग्रंथि अंतः तथा बाह्यश्रावी दोनों प्रकार की है? तो अग्नाशय जो है अंतः एवं बाह्यश्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। भिंडी में पीत वड सिरा किस रोग के कारण होता है? तो वो सफ़ेद मक्खी से होता है। पाइलिया किस फसल में लगने वाला कीट है? पाइलिया जो है वो गन्ने में लगता है। कॉड मछली के यकृत तेल से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कॉड मछली से विटामिन ए प्राप्त करते हैं। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो एपिथैलेमस पीनियल ग्रंथ तथा हेमनुला के मिलने से इसको हम एपिथैलेमस बोलते हैं। कौन सा वर्णक मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन प्रदान करता है, मानव रक्त को रंग प्रदान करता है कि किसका शरीर कितना गोरा होगा या काला होगा। फेफड़ों के ऊपर का आवरण किससे बना होता है? तो ल्यूनल कला से बना होता है। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? तो वो अग्नाशय से होता है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण किया जाता है? तो फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन का होता है। वह बीमारी कौन सी है जिसमें मानव मूत्र के साथ रक्त आता है? तो हीमोटूरिया है। हीमोटूरिया ऐसी बीमारी है जिसमें मानव मूत्र के साथ रक्त भी आने लगता है। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो हमने पढ़ा था अल्जाइमर जो कि याददाश्त की कमी होती है, तो याददाश्त की कमी जो है वो मस्तिष्क से ही होगी। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किस पुनर्शोषण होता है? तो वृक्क नलिकाओं के जो दूरस्थ कुंडलित भाग होते हैं उससे सोडियम क्लोराइड का शोषण होता है। मानव पेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो आवेग संचरण के लिए हमें सोडियम की आवश्यकता होती है। ग्लाइकोसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो 2 ATP अणुओं का ग्लाइकोसिस में लाभ होता है। लंबे समय तक उपवास रखने के कारण शरीर में किस अंग को प्रभाव पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो हमारे किडनी पर पड़ता है। लैंगरहंस की दीपिकाएँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ पे होती हैं? तो हमारी अग्नाशय, हमारे पेट, हमारे पैंक्रियाज में होती हैं। हम सभी अपने 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 231 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारी मदद ज़रूर करिएगा।
आप हमारी चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम जल्द से जल्द आपके लिए प्लेलिस्ट उपलब्ध करवा देंगे। अभी भी हमारी प्लेलिस्ट सही से काम नहीं कर रही है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता जो है वो ओ निगेटिव होता है। रानीखेत जो है वो किससे संबंधित है? तो रानीखेत जो है मुर्गियों से संबंधित रोग है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमाने से रोकता है? तो हिपैरिन जो है वो रक्त को जमने से रोकता है। जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती हैं? तो वो अमाशय में पाई जाती हैं। मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित कौन करता है? तो वो थायराइड ग्रैंड करता है। सफ़ेद कीट फसल रोग जो है वो सरसों में होता है। समान रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु जो है वो 100 से 110 दिन होती है। धान ट्रंगो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? तो हरी पत्ती के जो फुदके होते हैं लीफ होपर्स उनके द्वारा होता है। लीफ होपर्स एक कीड़ा जो है हमारा। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितनी एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 एटीपी अणु का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु से 24 एटीपी एनर्जी मिलती है हमें। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो उसे हम तंत्रिकाच कहते हैं। गेहूं में होने वाला दो प्रमुख कवक रोग कौन सा है? वो काला रोग और स्मट। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काला रोग और स्मट जो है वो गेहूं के रोग हैं। मानव के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथ से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, हिंदी में लोग पीयूष कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो ये शिशु के रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। अमृत है, पीयूष को हम हिंदी में प्रायवाची उसका अमृत भी कहते हैं। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो रक्त के शुद्धिकरण किडनी करती है। मानव शरीर का पाचन अधिकांश किस भाग में पूरा हो जाता है? तो छोटी आंत में पूरा हो जाता है। यदि दोनों जनकों पेरेंट्स की रुधिर वर्ग ए बी है तो बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ए बी और ए बी तीनों हो सकता है। अगला है किण्वन, जिसे हम अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा, पुलमेट्री आर्टरी द्वारा। थैलीमिसिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह जो है किसको प्रभावित करती है? तो थैलीमिसीमिया जो है वो हमारे ब्लड को प्रभावित करती है। मानव शरीर कितने भागों में विभाजित होता है? तो तीन में होता है, सेरिब्रम सेरिबेलम और बेनस्ट्रेम। नेक्स्ट है, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है, तो नाइट्रोजन विनिमय से अमोनिया का निर्माण होता है। उनमें मानव शरीर का कौन सा हार्मोन फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पराउट कहते हैं इसे हम। कोशिका रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं होती हैं? तो 31 जोड़ी हमारी नर्व्स होती हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आना किस रोग के लक्षण हैं? तो इसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस के लक्षण हैं कि हमारे दिमाग तथा मेरुरज्जु की जो झिल्ली है उस पर सूजन आने लगे। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो पीड़ा का अनुभव जो है वो मस्तिष्क में नहीं होगा, जहाँ पर चुभाएंगे वहीं पर होगा, लेकिन फील जो है वो मस्तिष्क द्वारा ही होता है कि हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। फेफड़े द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुँचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा द्वारा किया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रकाच के चारों ओर किस प्रकार का आवरण होता है? तो मेलिलिन होती हैं। एक वयस्क व्यक्ति में 100 ml में कितनी हीमोग्लोबिन होती है? तो वो 14.5 ग्राम होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में अगर वृद्धि हो जाए तो इसको क्या रोग
का नाम क्या देंगे? तो हाइपर ग्लाइसीमिया बोलते हैं इसे हम। आयोडीन युक्त नमक में उपयोगी क्या होता है? उपयोगी होता है क्योंकि यह क्या करता है, यह थायराइड ग्रंथि का जो है वो नियंत्रण करता है। आयोडीन रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को हम क्या कहते हैं? तो वेक्ट कहते हैं। अमाशय की दीवार पर पेशीय संकुचन होता है, इसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। किस अंग द्वारा रक्त से यूरिया का पृथक्करण किया जाता है? तो किडनी करती है। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका तंत्र में ऐसा नहीं होता है। श्वसन गुणांक का मापन किस अंग से किया जाता है? तो गायनांग श्वसन मापी से किया जाता है, गायनांग रिस्पोमीटर से। ग्लाइकोमा जो है वो किस अंग का रोग है? तो ग्लाइकोमा जो है वो नेत्र का रोग है। वृक्ष के चारों ओर पाए जाने झिल्लीनुमा आवरण को हम कहते हैं पेरिटोनियम कहते हैं। गठिया रोग का कारण क्या है? रक्त में प्रभावित यूरिक एसिड तथा सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित हो जाना। ठीक है, रक्त में जो है यूरिक एसिड तथा सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल हैं वो एकत्र हो जाते हैं, तो इससे की समस्या होती है। अस्थनियों में अस्थ तथा उपास्थि को भिन्न कैसे करते हैं? तो हैवनर्स नलिकाओं के द्वारा इनको हम अलग करते हैं, इनका विभाजन करते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग वृद्धि तथा स्मृति दर का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम होता है, जो कि हमारे पीछे स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ही होता है। ठीक है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में हमारी जस्ता उपस्थित होती है। कौन सी ग्रंथियाँ वाहिका विहीन होती हैं, वाहिकाहीन होती हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है वाहिकाहीन होती हैं। यकृत तथा मांसपेशिकाओं पेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा एकत्र होती है। इंसुलिन में मौजूदा धातु जो है वो जस्ता होता है। मानव शरीर की में छोटी आंत कहाँ किसके लिए होती है? तो अवशोषण के लिए उपस्थित होती है। चीज़ों का अवशोषण जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं कुछ हैं, तो उनका अवशोषण जो है वो छोटी आंत से ही होता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन में के परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीसीजी जिसका नाम है बैसिल क्लाइमेट यूरिन का टीकाकरण नवजात में कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद। ये जो है मानव में और मानव बच्चों में या मानव शरीर जो भी आप कह लीजिए उसको टीबी से बचाता है, टीबी नामक रोग से, क्षय रोग बोलेंगे हम। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो स्पेंस कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य द्वारा एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित किया जाता है? तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। मस्तिष्क की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है? तो विद्युत मस्तिष्क लेख द्वारा पहचाना जाता है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो RBCs जो हैं वो ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेती हैं। यकृत शोध हेपेटाइटिस रोग किसकी द्वारा जनित होता है? तो ये विषाणु जनित रोग है। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम से क्रियाशील होता है। मानव मस्तिष्क में मानव खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती हैं। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो लाइपेज जो है वो यकृत स्रावित करती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्सिव एक्शन का नियंत्रण का केंद्र क्या होता है? तो वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। पोलियोमाइलेटाइस रोग जो है वो किससे फैलता है? पोलियोमाइटिस रोग जो है वो विषाणु से फैलता है। रक्त में RS को हम बोलते हैं प्रतिजन बोलते हैं, इसका अन्य नाम प्रतिजन है। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग सबसे ठोस भाग जो है वो एनामेल है, दांत की जो हमारी परत होती है, दंतवल्क। सल प्रक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी का कार्य क्या है? तो जोड़ प्रतिस्थापन, मतलब जो हाँ जोड़ होते हैं उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम ऑर्थोप्लास्टी कहते हैं। अगर ऑर्थो कहीं भी आ जाए तो आप हड्डी समझ लीजिएगा। अवायवीय श्वसन में पेशीय कोशिकाओं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होने से ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो वो लैक्टिक एसिड।
मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए गए हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। मानव शरीर में जल का प्रतिशत तो 65% या 60%, जहाँ भी जैसा ऑप्शन आए आपको लगाना है। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी तो जबड़ों की पेशियाँ होती हैं, जबड़े की हड्डी भी सबसे मजबूत ही कहेंगे हम। परिवर्तनशील भ्रूण शुष्कण ड्राइंग किससे रक्षा करता है? तो उल्फ से रक्षा करता है, जिसे हम एमिनसन कहेंगे। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम जो है रुधिर को जमाने में कार्य करता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्भवन किसके द्वारा होता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा होगा, क्यूबिकल जो उपकलाएँ हैं। कंडरा जिसे हम टेंडन कहते हैं, ये किसको जोड़ती है? कंडरा जो है वो पेशी को अस्थि से जोड़ती है। अस्थि का मैट्रिक प्रोटीन किससे बना होता है? तो ओसिन से बना होता है। भोजन निकलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लॉटिस द्वारा ये बंद हो सकता है। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो इसे हम क्रमासंकुचन कहते हैं। रुधिर में श्वेत कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा उपस्थित किस रोग से जानेंगे? अगर रक्त में अधिक श्वेत रक्त कणिकाएँ हो जाएँ तो इसे ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर कहते हैं, जिसमें जो RBCs हैं ये शरीर की अच्छी कोशिकाओं को भी नष्ट करने लगती हैं, उसको भी खाने लगती हैं। शिशुओं में अतिसार डायरिया का कारण क्या है? तो रोटा वायरस है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो वो RBCs हमारी शरीर की रक्षा करती हैं, शरीर की प्रतिरक्षा करती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं? तो इनका जो कब्रगाह है वो प्लीहा कहते हैं। मनुष्य शरीर का औसत रक्तचाप तो 120 से लेकर 80 mm/Hg। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये विषाणु द्वारा इफेक्ट करने से होती है। अस्थियों को कठोर बनाने वाला मुख्य लवण क्या होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हैं वो अस्थियों की कठोरता को प्रभावित करते हैं। लसीका लिम्फ किन रुधिर कोशिकाओं की उपस्थिति में होता है? तो RBCs की अनुपस्थिति में होता है। कौन सा प्रोटीन त्वचा बाल नाखून सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो केराटिन है। मानव शरीर में रक्त दाब कितना होता है? तो वह मंडलीय दाब से अधिक ही होगा। मानव शरीर में मुख्यतः कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फेट पाए जाते हैं। मस्तिष्क गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ओस्टियोक्लास्ट करती हैं मस्तिष्क मज्ज गुहा का निर्माण। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतक द्वारा होता है। नेक्स्ट है, शिशुओं में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? तो 300 के करीब अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में सबसे अधिक अस्थियाँ होती हैं। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 ऑटोसोम्स होते हैं। इसरो में संपूर्ण गुणसूत्र को कैसे प्रभावित करते हैं? तो हम 44+XX लिख सकते हैं। 23 जोड़ियाँ होती हैं हमारी, 22 ही होगी और एक जोड़ी XX। कलाई की अस्थियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसे हम कार्पल्स कहते हैं। आपातकालीन हार्मोन जो है वो एंड्रेलिन को कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावण किसके द्वारा होता है? तो ये ब्रिक जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। सर्वप्रथम हार्मोन की खोज कौन किया था? तो सेक्रेटिन ने किया था। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएँ बनती हैं? तो लसिका जो है वो प्लीहा में बनती हैं। RBC का कब्रगा अभी हमने आपको बताया था, इसके प्लीहा को कहते हैं। हीमोग्लोबिन में मौजूद धातु, हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है, आयरन। रक्त का थक्का बनने में आवश्यक एंजाइम कौन सा होता है? तो थ्रोम्बिन जो है वो रक्त के थक्का बनने में आवश्यक होता है। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर हृदय स्पंदन को उत्पन्न करता है, हृदय बीट को। एक आप पेसमेकर को आप आर्टिफिशियल हार्ट भी कह सकते हैं। आर्यत प्रतिजन कहाँ पे उपस्थित होता है? आर्यत जो है प्रतिजन जो है वो RBCs में उपस्थित होता है। उत्कों में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोक्सिया कहते हैं इसे,
कि उदकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो अपचयी क्रिया है श्वसन हमारा। आपको हमारा एक क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।